हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द डिम्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे की सब्जी, मतलब कुकुम्बर की सब्जी, जो कि बहुत ही डिफरेंट है और बहुत इजी रेसिपी है। जैसा कि आपको पता है, कुकुम्बर खाने में ऑलरेडी इतना इजी होता है, तो सोचिए इसकी सब्जी कितनी जल्दी बनती है। इसमें हमने एक टमाटर ऐड किया है और इस सब्जी को बनाया है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 3 कुकुम्बर लिए हैं और 1 टमाटर लिया है। इसको यहाँ से साइड से मैंने कट कर दिया है। अब हम इसको पील कर लेते हैं। सारे कुकुम्बर को पील कर लीजिए। अब हम इसको इस तरीके से काट के इसके अंदर के बीज निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से इसके सारे बीज निकाल लेंगे हम। आपने देखा होगा, जो सब्जी हम काचरे या ककड़ी की जो सब्जी बनाते हैं, उसमें भी जो बीज पके हुए होते हैं, हम उसको इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, जैसे नॉर्मली हम कुकुम्बर्स को कट करते हैं। अब हम टमाटर कट कर लेते हैं। टमाटर को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। जिस तरीके से हम नॉर्मली टमाटर काटते हैं, उसी तरीके से आप बड़े बड़े पीसेस में इसको काट लें। हमने अब गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम डालेंगे, हमने इस पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसे हम अब गरम कर लेते हैं। अब हमने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून ज़ीरा। बस हम इसमें 1/4 टी हमने इसमें डाली है राई। थोड़ी सी हम डालेंगे हींग। अब हम इसमें डालेंगे जो कुकुम्बर हमने काट के रखे हैं, वो इसमें हम डाल देंगे। कुकुम्बर डालने के 1 मिनट बाद में ही हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी हम इसमें डाले हैं हल्दी, स्वाद अनुसार इसमें हम डालेंगे नमक। अब हम इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। ये सब्जी बहुत जल्दी बनती है। अब हम इसमें ग्रेट करके डाल रहे हैं लहसुन। हमने 5 से 6 कलियां लहसुन की ली है, उसे हमने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको भाप से ही 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इसे आप बीच में कवर को हटा के आप इसे देखते रहें कि सब्जी नीचे लगे ना, क्योंकि हमें इसे मीडियम आंच में ही हमें इसे पकाना है। तो 1-2 बार इसको ढक्कन हटा, बीच में इसको स्टर करें। आपको खीरे को इस तरीके से काट के देखना है, जब वो हल्का सा कटने लग जाए तो हमें इसमें टमाटर ऐड करें। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको खट्टाई पसंद है तो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसे वापस स्टीम से पकाएंगे 5 मिनट तक। तब तक इसमें जो टमाटर है वो भी पूरा गल जाएगा खीरों के साथ में। तो इसे हम कवर कर देते हैं। इसे आप बीच बीच में चेक करते रहें, थोड़ा सा उसको हिला दें, फिर से कवर करके उसको हम पकाएंगे 1 मिनट और। अब हम इसमें बचे हुए मसाले डालेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। हल्दी और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, आपने देखा था। अब हम इसे वापस मिक्स कर देते हैं और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत जल्दी भी बनती है। और ये तो ये डिफरेंट तरीके की सब्जी है। कभी कुछ ना समझ में आए तो आप खीरे की सब्जी ईजीली बना सकती हैं, इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये सब्जी ऑयल छोड़ देगी। जैसे ऑयल हमने बहुत कम यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। हम लोगों ने कम यूज़ किया, तो देखिए सब्जी ऑयल छोड़ रही है। जब ऑयल सब्जी छोड़ दे, इसका मतलब सब्जी पक गई है। तो अब हम गैस बंद कर लेते हैं, हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो देखिए, हमारी सब्जी बनके रेडी है। ये सब्जी झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये सब्जी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोज़ का
नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।